बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक छोटी गरीब चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसे खाने के लिए हमेशा कुछ ढूंढना पड़ता था। एक दिन जब वह जंगल में खाने की तलाश में थी, उसे एक सुनसान जगह पर एक पुराना घर दिखा। वह घर देखने में थोड़ा डरावना और रहस्यमय था, लेकिन भूखी चिड़िया ने सोचा कि शायद यहाँ उसे कुछ खाने को मिल जाए। चिड़िया उस घर के अंदर चली गई और वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा, जो असल में एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने चिड़िया को देखकर मीठी आवाज में कहा, प्यारी चिड़िया आओ मेरे पास आओ, तुम बहुत भूखी लग रही। चुड़ैल ने उसे खाना देने का वादा किया, लेकिन चिड़िया ने उसके स्वर में कुछ अजीब सी बात महसूस की। फिर भी भूख से मजबूर होकर वह चुड़ैल के पास चली। चुड़ैल ने चिड़िया को कुछ दाने दिए और धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाने लगा। उसने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हें इतना खाना दूंगी कि तुम्हें कभी भूख नहीं लगे, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरी मदद करनी होगी। चिड़िया मासूम थी और भूख से परेशान थी, इसलिए उसने चुड़ैल की बात मान ली। समय बीतता गया, चुड़ैल चिड़िया से जंगल के अन्य जानवरों की खबरें लाने और अपने लिए जादुई सामग्री जुटाने का काम करवाने लगी। चिड़िया ने धीरे धीरे महसूस किया कि चुड़ैल उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है और वह चुड़ैल के जाल में फंस चुकी है। फिर एक दिन चिड़िया ने अपने आप को आजाद कराने की ठानी। उसने चुड़ैल से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए सबसे अद्भुत चीज लाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे सूरज की पहली किरण पकड़ने जाना होगा। चुड़ैल लालच में आ गई और उसने चिड़िया को जाने दिया। चिड़िया सूरज की पहली किरण पकड़ने नहीं गई, बल्कि वह उड़कर दूर जंगल में चली गई और कभी वापस नहीं आई। उसने आजादी को चुना और वादा किया कि अब वह किसी के जाल में नहीं फंसेगी। धीरे धीरे चिड़िया ने समझदारी से काम करना सीख लिया और अपनी मेहनत से खुद का भोजन जुटाने लगी। इस तरह गरीब चिड़िया ने अपनी बुद्धिमानी से चुड़ैल के जाल से खुद को छुड़ाया और खुशी खुशी जीवन जीने लगी।